ये लीलो और चमन की इतिहास से एक रागनी है। लीलो और चमन दो दीवाने एक कॉलेज में पढ़ा करते और पढ़ते पढ़ते दोनों का प्यार हो गया। एक दिन वह लीलो सज धज के अपने चमन ने मिलन चाल पड़ी और राजी हो रही। जब चेहरे पे मुस्कुराहट देखी उस लीलो की तो चमन उस बात बुझन लग गया। अरे सुना ये भगवान क्या ज्ञान है राजी दस है कति बढ़िया ज्ञान है राजी है ना कति राजी सही कति आज तक की तैयारी ही पकड़ रही है चमन हाँ। आज मेरी तैयारी की वजह तो तने बूझिए कौन है क्यों कर है आज तक मुन्ने पहले आना प्रोग्राम जदे के मुन्ने चमन आज चमन मेरे अंदर की बात है। ओहो स्वागत से स्वागत पे री है आज चमन मेरे ब्याह की तैयारी है किसकी गेलिया ब्याह की तैयारी चाला कर दिया कद कटड़ुआ चिचड़ जड़वा गई हो या बात नहीं है चमन ब्याह जो होगा वो तेरी गेला होगा इसकी गेला को ना हुआ इसका नाम ना लिया ना तो मैं इसकी साइकिल ही बतोड़ दूंगा। अरे मारे महकमे वाले भी बैठे हैं। अच्छा हाँ पुलिस में है रे इनकी तो नैया के बराबर जाते हो है क्यों नहीं तो बाल बना के खा ले ये पाड़ के खा ले और कठड़िया के ट्रक ने एक ने नहीं जानते आगे ने तयनुखा आगरा भाई लिया सड़ देने कागज लिया वो भाई के नई गाड़ी ने कागज लिया के दे दिए ने बोला देखा इसकी बैक लाइट देखो उल्लू के पट्ठे की चलेगा जी ठीक है फ्रंट लाइट देखो इसकी बोला जी ठीक है ले शीशा देखो आधा काला है कि नहीं है बोला जी वो भी ठीक है बोला निकाल 500 रुपये बोला जी खो खोट कर ना क्या की बात ना कागज पूरे पंसे किसे अबे बेकूफ तू सारी उम्र कोई खोट नहीं करेगा पैसे कहाँ से आएंगे निकाल 500 रुपये ते भाई उस लीलो और चमन की आपस में बातचीत होती है देखिए घनी झकझक में और फक फक में कुछ नहीं है जो बात ओरिजिनल है वो ओरिजिनल होती है। आज सीट के ऊपर बैक गियर लगा दिया अगला लगा दिया पिछला डगा दिया सबको पता है सबने पता जीप में क्या कह रहा हूँ ये बातें ब्लाइन बातें कड़े ठिकाना चाहे कोई कितनी अकल करे तो ये ओरिजिनलिटी है असली सौदा कैसे ये रे सच में साची बता रे लीलो के रे खुशी मनहारी से हाँ पर प्रेमी थोड़ा एक जुगाड़ तर रखिए कौन सा जय बद ने बता दी तब बढ़िया है अर्जा आज नहीं बताई ना अपन भी नींद कम मान लगी है मन में वो
पूरा प्रेम होना चाहिए कतीनू सही तो बूझिए कौन सी बात पूछना चाहिए तेरे तेरे ब्याहड़े दिन की के तारीख लिखाई से सही बता देना हाँ हाँ और सच्ची कह दे और मुंह पे कह दे वो अच्छा हो बहुत बढ़िया अच्छा तू झूठ मत बोलिए कती झूठ नहीं बोलूं बोलते मेरा खर्जा अल्लाह क्यों कर रहे हैं देखा रहे ही लाग देख थोड़ा कुछ कुछ अल्लाह अल्लाह ना हाँ कुछ कुछ होता है ओए तो उसे एक दिल्ली सूबे की कसुता काम हो रहा मारा उड़ा हरियाणा में बह गई आड़े से 24 घंटे अखबार में बढ़ने आग मारुती सारुती सब कुछ ला गया रहे और ट्रांसपोर्ट सी खुली रहे और मारा उड़े जनते गांव में बुगिया ही ट्रांसपोर्ट खुली आड़े रोज अखबारों में श्रीनगर में बम फट गया फलानी जगह बम फट गया उड़ा बम फट गया और उड़ा बुग्गी के बम्बा ने बम बखे रोज उसने बुग्गी में बिठा लिया जा बम्बा का चक्रा जरूर आवे वो अपने बोल बाली रहे एक दिन उसके देवर का मौका लग गया उसकी गेल और ससुरा पाछे ने बैठ लिया और वानू बुलिया हो एक बात बुझू अक बुझ ले अक तुम बम क्या ना कहा करो अभी मड़ा उठा कटड़े कने तलेन कर कात में लाई नका आकरा बम उड़े बम थे ने बोली ठीक सेट खेत में चले गए खेत में जाए पाछा कटड़ा था अड़वा और वो लाड़ू बुग्गी पर दी तंग सुदा बुग्गी ने कटड़ा ने उठा लिया अगले पर दूरू का ससुरा खड़ा ने बुला रहा बेटी चौधरी देख की खड़ी हाँ कटड़ा जीत मुर्जा बम्बा ने पकड़गा तलेन खा चले ने नुकनते उसका उठा छो नु बोली बूढ़े कटड़ा कटड़ा कहते सारा कड़मा मर जाइयो मैं बम्बा का हाथ नहीं लाऊंगी पूरी
भड़ो बने खतर भाइयो मने भड़ो बने खतर झूठी बात बनाई फेरे लिए पाछे तो ये भी मान जा। अरे पंडित जी आ रहे
शर्मा जी आ जाओ इन तक लवा दो माड़ा कदे फिर नोको सौ रुपये दिए नोके विदा करांगे जाओ दादा नहीं बनी दे लिए हैं दूसरे ने दिए थे इबा हम जानते हैं नहीं हमारे राग नहीं कर कार्य करता सौ सौ रुपये बैठ लिए बैठा देंगे तेरे भी